भगवान राम जब बड़े से समुद्र को पार करके माँ सीता को लेने जाने की तैयारी में थे और राम सेतु का निर्माण हो रहा था, उस वक्त पूरी वानर सेना पूरे उत्साह से राम सेतु बनाने में जुटी थी और पत्थरों को पानी में डाला जा रहा था। इस बीच एक गिलहरी भी आई जिसके मन में श्रद्धा थी और वो इस अच्छे काम में मदद करना चाहती थी, इसलिए छोटे छोटे कंकड़ों को उठाकर समुद्र में फेंक रही थी। लेकिन एक वानर ने उसका मजाक उड़ा दिया कि गिलहरी क्या अपना समय नष्ट कर रही है, हट जाए यहां से, किसी के पैर के नीचे आकर कुचल जाएगी। अब एक वानर उस पर हंसा तो बहुत सारे लोग उस पर हंसने लगे, हतोत्साहित हो गई, रोने लगी। राम जी ने लेकिन सभी को बुलाया और कहा कि इधर आओ, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। राम जी ने दिखाया कि देखो गिलहरी के फेंके हुए कंकड़ ने किस तरह से दो बड़े पत्थरों को जोड़ रखा है। तो योगदान, समर्थन छोटा या बड़ा नहीं होता, ये तो बस होता है। आपके इंटेंशंस किसी अच्छे काम में सहयोग करने के होने चाहिए, फिर आप कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं या छोटा कंट्रीब्यूशन है ये मैटर नहीं करता। और उसी के बाद ही राम जी ने प्यार से गिलहरी को सहलाया था, जिसकी वजह से माना जाता है कि गिलहरी के पीठ पर 3 उंगलियों जैसे निशान होते हैं।